Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. टुडे 4 जुलाई 2019 थर्सडे है. सुबह के 8:19 हो रहे हैं. आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है. कल बजट का दिन है, तो आज एक स्टडी मार्केट रह सकता है, स्लगिश मूव देखने को मिल सकता है. हम मंडे से देख रहे हैं कि एक डोजी टाइप का कैंडल स्टिक बन रहा है, ऊपर या नीचे टेल छोड़ रहा है कैंडल स्टिक. तो ये एक कंसोलिडेशन फेज, ये साइडवेज मार्केट का सिग्नल हमें दे रहा है. बिफोर बजट काफी टाइम ऐसा पास्ट में भी देखा गया है. तो आज क्या इंट्राडे के लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 3 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको उस वीडियो की यहाँ पर लिंक मिल जाएगी आई बटन में. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,916 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,880. तो ये 15 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. आप देख सकते हैं ब्रेकआउट लेवल के ऊपर निफ्टी इंडेक्स यहाँ ओपन हुआ और टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ. तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता और जैसे ही 20 EMA के अराउंड इसने सपोर्ट टेस्ट किया, ये फिर से ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड ये मूव करने लगा और इसने हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था इसको काफी यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया. और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो ये ऊपर की तरफ मूव हुआ हमारे फर्स्ट टारगेट के पास और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट वहां पर ही हाई इसने 11,945 का हाई लगाया. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. और फिर से एक बार ये जो लेवल्स आइडेंटिफाई किया था, ब्रेकआउट लेवल का भी जो लेवल आइडेंटिफाई किया था एग्जैक्ट वहां पर ही कल क्लोज हुआ 11,916. ये कल का क्लोजिंग है तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए. तो ये था कल का एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स और नासडैक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, दोनों भी ग्रीन निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी हरे निशान में बंद हुए, काफी पॉजिटिव नोट पे वहां पर भी ट्रेडिंग देखने को मिली. और आज एशियाई मार्केट जब ओपन हो चुके हैं तो वो भी पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं हरे निशान में. डाउ फ्यूचर देखे तो 17 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ 10 पॉइंट के बढ़त के साथ पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, देखते हैं क्या आज निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं. ये थोड़ा चार्ट जो है ये हम इस वक्त काइट ज़ेरोधा का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसका चार्ट पैटर्न हम यूज कर रहे हैं. ट्रेडिंग व्यू बेसिकली इस चार्टिंग टूल को कहा जाता है. तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के चार्ट ओपन करके रखे. वीकली चार्ट से शुरू करते हैं. यह है वीकली चार्ट. अगर पास्ट कुछ वीडियो से हमें आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था. मैं फिर से एक बार यहाँ पर वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये लो, ये हाई और ये लो पकड़ के इसको ड्रॉ किया था. तो यहाँ पर अभी ये अगर स्विंग लो को पकड़े, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नॉर्थ की तरफ टर्न होता है तो आने वाले प्रोजेक्ट्स इस टूल के थ्रू हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं. अभी ये 23.6 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जैसे कि हमने डेली चार्ट में कल आइडेंटिफाई किया था कि 11,950 का एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर पास्ट में कई सारे दिन इसने रेजिस्टेंस फेस किया था. तो कल का हाई भी अराउंड 11,945 का था. तो यहाँ पर 950 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 12,000 का यहाँ पर साइकोलॉजिकल मेन रेजिस्टेंस होगा जहाँ पर ये स्विंग हाई बनाया है निफ्टी इंडेक्स ने. तो 12,000 ये फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा. कल बजट है तो बजट के पहले एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है. हालांकि ये मार्केट ओपन होने के बाद ये शार्प मूव आता है और उसके बाद काफी कंसोलिडेट करता है मार्केट. अभी भी बुल्स और बेयर्स में कंफ्यूजन है. तो यहाँ पर बजट के बाद एक रैली देखने को मिल सकती है अगर बजट पॉजिटिव फेवर में मार्केट के आता है तो. यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. यह डेली चार्ट
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन डे का चार्ट है। तो यहाँ इस समय अभी कल हमने देखा था यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक जैसा फॉर्मेशन हो रहा था, ये सिग्नल था। इसका कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर ऐसा ये बेरिश कैंडल स्टिक बनना जरूरी था, तो वो बना नहीं। कल फिर से एक बार अपसाइड मूव दिखा, हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं था, वो बियरिश कैंडल स्टिक बना, लेकिन हायर हाई का जो पैटर्न है ये अभी भी बना हुआ है। हायर हाई मीन्स प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आके ये क्लोज हो रहा है, और हाई का वैल्यू भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है, तो हायर हाई मेंटेन हो रहा है। लेकिन जो स्ट्रेंथ है बुल्स का ये यहाँ पर ज्यादा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। टेल छोड़ना, ये जो टेल छोड़ना है कैंडलस्टिक का, ये हमें दर्शाता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस था, यानी बियर्स और बुल्स का स्ट्रेंथ एक इक्वल था, ज्यादा यहाँ पर बुल्स स्ट्रांग नहीं थे। तो हो सकता है ये जो हायर हाई का पैटर्न बना है ये फिर से कंटिन्यू हो। अगर ये नहीं होता, लो को ब्रेक करता है किसी भी दिन का, प्रीवियस डे का लो ये अगर ब्रेक करता है, तो हमें टुवर्ड साउथ की तरफ मूव यहाँ से दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ उतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो, स्ट्रक्चर बुलिश है क्योंकि वीकली और डेली चार्ट में 20, 50, 100 ये जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ये अभी भी ट्रेड हो रहा है, यानी स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आज के लिए लेवल्स क्या हो सकती है ये आइडेंटिफाई करते हैं। मैं यहाँ पर पिवट पॉइंट के कुछ लेवल्स है उसे मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो कल का हाई है एग्जैक्ट उसी के पास पिवट पॉइंट का R1 का लेवल आ रहा है, 11,945 है। तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रेकआउट लेवल, इसे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल 11,945, और फर्स्ट टारगेट होगा इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 11,974 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा ये जो आप यहाँ पर ये फॉल देख रहे हैं इस लेवल के, यहाँ से ये फॉल आया है अराउंड 11,991, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ये होगा हमारा सेकेंड टारगेट। ये जो ज़ीरोधा काइट का ये जो चार्ट है आर्ली चार्ट, ये 9:15 to 10:15 ऐसा 1 आवर पकड़ के ये एक कैंडल दिखाता है। तो कोई चार्ट्स होते हैं जो 10 to 11, 11 to 12 ऐसा 1 आवर पकड़ के चार्ट दिखाते हैं, तो हो सकता है हाई लो और क्लोज ओपन वैल्यू ये मैच ना करे, तो ये इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है, ये सही है। लेकिन जो 1 आवर पकड़ा गया है ये 9:15 to 10:15 का 1 आवर पकड़ा गया, ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये नोट करके रखना। और यहाँ पर अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करने लगे, ये अगर साउथ की तरफ अगर मूव करने लगे, तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो कैंडल है अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लो बन रहा है अराउंड 11,900 के पास, ये यहाँ पर, तो ये हमारा हो सकता है ब्रेकडाउन लेवल, ब्रेकडाउन लेवल 11,900 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से ये फॉल दिखाया था पास्ट में, तो यहाँ पर इस लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 11,900 के पास, तो अभी वो सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर वो ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा क्विकली टारगेट होगा 20 EMA। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, 10 पॉइंट्स है लगभग, 11,887 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, क्विकली टारगेट होगा ये, और उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा
ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर अराउंड 11,876, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।